हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, वेरी गुड। चलो, तो जैसा कि हम लोग पिछले टर्न पे आप लोग को पढ़ा रहे थे, क्या लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। लाइफ प्रोसेस है ना, और लाइफ प्रोसेस में हम लोग पढ़ रहे थे फोटोसिंथेसिस। क्या पढ़ रहे थे? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। ओके, तो बेटा फोटोसिंथेसिस को पढ़ के है ना, एंजॉय के साथ पढ़ रहे थे, ये तो आपको पता ही है। ओके, हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ लिया था कहाँ तक? हमने रॉ मटेरियल को कंप्लीट कर लिया था। रॉ मटेरियल जो जो फोटोसिंथेसिस में यूटिलाइज होते हैं उनके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। अब हम लोग आगे चलेंगे प्लास्टिड्स। मैंने पिछले टर्न पे भी बताया था आपको कि प्लास्टिड्स जो है उनके बारे में हमें पढ़ना है, तो चलते हैं जरा प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स, ठीक है, प्लास्टिड्स के बारे में बात करें तो बेटा ये तीन टाइप के होते हैं। दीज आर थ्री टाइप्स, ठीक है। कौन कौन से? एक बेटा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। दूसरा होता है बेटा क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा तीसरा होता है बेटा ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। अब बहुत ध्यान से, ठीक है ना बेटा, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। और ये यूनिवर्सल पिगमेंट है। कैसे हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट, यूनिवर्सल पिगमेंट है ना। और इनकी एक और खास बात है, प्लांट कोई भी हो, जब प्लांट टिनी रहता है, कोई भी प्लांट टिनी रहता है, तो वो आगे चल के कोई भी कलर का फ्लावर दे, डजेंट मैटर। आप अगर बर्ड को, किसी बर्ड, जैसे आप कोई फ्लावर की बर्ड को देखेंगे, तो उस बर्ड को अगर आप स्टार्टिंग में, यानी कि जो वो फ्लावर बनी ना हो, जैसे ही बर्ड निकली हो, वैसे कट करके उसको देखो, वो बेटा कलर नहीं होगी। कैसे, किस कलर की होगी? ग्रीन कलर की है ना। तो डिफरेंट टाइप के कलर्स, जो भी कलर्स आप देखते हो, डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स या दुनिया भर के लीव्स या फ्लावर के कलर, सब कन्वर्ट होते हैं क्लोरोप्लास्ट से ही, ठीक है। तो यूनिवर्सल पिगमेंट हो गया ये। अब इसमें क्या क्या आता है बेटा? पहला जो है वो आता है क्लोरोफिल। क्या आता है? क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल बेटा कई टाइप के होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए कामा बी होता है, कामा सी होता है, कामा डी होता है, और ई होता है। यानी कि ये पांच टाइप का क्लोरोफिल। लेकिन आपको इनके बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना है, टेंशन नहीं लेना है ना। क्लोरोफिल ए जो होता है वो, और बी है ना, जो हायर प्लांट्स में प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी, ठीक है। इसके बाद इसमें दूसरे नंबर पे कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। कैरेटोनाइड्स में कुछ कुछ अमाउंट में कैरेटोनाइड, ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है ना। और मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट यही है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, मेन फोटो सिंथेटिक, सिंथेटिक पिगमेंट, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है ना, यही है। कैरेटोनाइड्स क्या होते हैं कि ये तो ग्रीन कलर के होते हैं, ग्रीन कलर, इनका ग्रीन कलर होता है, मतलब क्लोरोफिल का। कैरेटोनाइड का मत गलती से लिख देना। कैरेटोनाइड जो होते हैं वो कैसे होते हैं बेटा? रेड हल्के से, या ऑरेंज ग्रीन, सॉरी ऑरेंज येलो, ऑरेंज, ऑरेंज येलो, येलो, ठीक है। तो ये कैरेटोनाइड भी, लेकिन मेन जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ही है, ठीक है। एज अ सील्ड काम करते हैं, दीज आर द सील्ड, एज अ सील्ड। सील्ड क्या होती है आगे हम बताएंगे आपको। इसके बाद क्लोरो क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर, क्रोमो मतलब होता है कलर, ठीक है, कलर। अब ये कलर कैसे बनते हैं आपको भी पता है कि दे कन्वर्ट फ्रॉम फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं आपको, ल्यूकोपीन, ल्यूको, ल्यूकोपाइन या ल्यूकोपीन, ठीक है। ल्यूकोपीन जो है वो एक्चुअल में टोमेटो का कलर, टोमेटो जो कलर होता है उसकी वजह से होता है,
टोमेटो कलर, टोमेटो कलर, ठीक है, कंफर्म, वेरी गुड। अब ये बताने का मतलब ये था कि अगर आप टोमेटो को बचपन में देखे होंगे, मतलब आप अपने बचपन में नहीं, टोमेटो के बचपन में टोमेटो को आपने देखा होगा, है ना, नहीं देखे कोई बात नहीं, आसपास कहीं घर के आसपास कहीं भी अगर कोई टोमेटो का प्लांट मिल जाता है तो आप देखिएगा उसमें छोटा छोटा टमाटर जब लगा होता है तो कैसा होता है, ग्रीन होता है, होता है ना, ग्रीन होता है ना, है ना। जैसे आप मैंगो का कलर ले लीजिए तो मैंगो का कलर कैसा होता है, पहले ग्रीन, यानी कि बहुत सारे प्लांट्स फ्लावर यानी सबका कलर कैसा होता है, ग्रीन, बाद में वो चेंज होता है, कलर चेंज बाद में होता है, ऐसे ही टोमेटो कलर, यानी कि दे कन्वर्ट फ्रॉम क्लोरोप्लास्ट, है ना, ये क्लोरोप्लास्ट से ही कन्वर्ट हुआ, क्या बनते हैं, क्रोमोप्लास्ट, कन्फर्म। तो ऐसे इसके बाद कैरेट का कलर हो गया, इसमें कैरोटीन, कैरोटीन कैरेट का कलर हो गया, ठीक है। तो कई सारे कलर होते हैं जो जितने भी कलर्स पिगमेंट होते हैं बहुत सारे वो क्रोमोप्लास्ट में आते हैं, कंफर्म, वेरी गुड। अभी के लिए इतना ही है ना, अभी और डिटेल में है बट वो अगली क्लास में आप पढ़ेंगे, अभी सब पढ़ लोगे कैसे होगा। फिर ल्यूकोप्लास्ट आता है, यानी कि कलरलेस पिगमेंट, कलरलेस पिगमेंट बेटा, क्या कलरलेस पिगमेंट, कलरलेस पिगमेंट ये क्या करते हैं, स्टोरेज पिगमेंट भी बोलते हैं इनको, स्टोरेज पिगमेंट, ये कुछ चीज़ें स्टोर करते हैं, क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ज़रा देखते हैं कौन कौन से, जैसे स्टार्च स्टोर करता है, जो स्टार्च, स्टार्च तो आप लोग समझते ही हो, है ना, जो प्लांट स्टोर करते हैं स्टार्च, तो स्टार्च स्टोरिंग जो स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है बेटा, नेक्स्ट ऑयल जो स्टोर करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इलायोप्लास्ट, इलायो, इलायोप्लास्ट, स्पेलिंग देख लेना इलायोप्लास्ट की, इलायोप्लास्ट। इसके बाद जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटीन स्टोर करते हैं जो, है ना, उनको क्या बोलते हैं बेटा, एलुरोनोप्लास्ट, एली रूनो, एक सेकंड अच्छे से लिख देते हैं, ALERUNO रोनोप्लास्ट, ठीक है, स्पेलिंग एक बार इसकी भी कंफर्म, एलुरोनोप्लास्ट। तो ये जो करता है वो प्रोटीन, यानी कि सब स्टोर करते हैं, ये कलर नहीं शो करते हैं, कंफर्म ना, है ना, ये कलर केवल स्टोर करते हैं सब्सटेंसेस को, ओके। तो आपको प्लास्टिड समझ में आया, वेरी गुड, है ना। वैसे क्लोरोप्लास्ट की सबसे पहले फर्स्ट सीन बाय किसने सीन किया होगा, ए वी लिवेनहॉक, लिवेन एच ओ ई के, लिवेनहॉक, ए वी लिवेनहॉक ने सीन किया था सबसे पहले। तो आप इसको नोट डाउन करें, तो अब बेटा थोड़ा सा क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लेते हैं, क्लोरोफिल कैसा होता है, क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल का केमिकल स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो ये एक्चुअली कैसा होता है, टैडपोल लाइक होता है, टैडपोल लाइक, टैडपोल लाइक, ठीक है, जिसमें एक टैडपोल आप समझते हो, टैडपोल कुछ इस तरीके का दिखता है आपको, है ना, ये टेल होती है इस तरीके से, या टैडपोल लाइक दिखता है, तो ये काइट भी मान सकते हैं या टैडपोल भी मान सकते हैं, तो इसी तरीके का दिखता है। तो जिसमें एक ये हेड होता है, ये हेड जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन, फायरिन, फायरिन हेड, क्या बोलते हैं, पोरफायरिन हेड, ठीक है। और दूसरा जो ये टेल देख रहे हो आप लोग, इसे बोलते हैं फाइटोल टेल, फाइटोल टेल बोलते हैं, ठीक है ना। टोटल इसमें क्लोरोफिल में बेटा कितने कार्बन होते हैं, टोटल कार्बन, यानी कि इसका सी, इसका फॉर्मूला अगर क्लोरोफिल ए की बात करें, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C55H72 O5N4 Mg, ठीक है, ये है क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आपको बनाना नहीं है, बस थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ध्यान भी नहीं रखोगे चलेगा, है ना,
आपके सिलेबस में कभी नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरीके से ये टैडपोल क्लोरोफिल, अब इसका सिंथेसिस कैसे होता है, क्लोरोफिल का सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो बेटा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोफिल प्लांट में जब बनता होगा, स्टार्टिंग में सिंथेसिस होता होगा, एम्ब्रियो से जब प्लांट जर्मिनेट होता है तो क्लोरोफिल बनाता होगा, क्योंकि तो आपको सीड तो ग्रीन दिखता नहीं है, सीड दिखता है क्या ग्रीन, आप कभी सीड फोड़ के देखो ग्रीन दिखता है क्या, मतलब सूखा सीड, सूखा जो सूख जाता है सीड, उसमें तो क्लोरोफिल होता नहीं ना, हाँ नहीं होता है। तो वो कैसे बनता कैसे है, तो बेटा सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का या जो भी सिंथेसिस होता है क्लोरोफिल का, वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे सक्सिनिल कोएंजाइम है, सक्सिनिल कोएंजाइम, कोएंजाइम ए ऐसे लिखा जाता है, कोएंजाइम ए है ना, और प्लस ग्लाइसिन, प्लस ग्लाइसिन, ठीक है। तो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन सॉरी है ना, सबसे पहले आपने कभी सुना नहीं होगा सक्सिनिल कोएंजाइम है, ये कुछ नहीं होता है, आप सब इतना जान लो, फोर कार्बन कंपाउंड है ये, फोर कार्बन, कार्बन कंपाउंड, अरे यार सॉरी कंपाउंड है ना, इसमें चार कार्बन होते हैं, फोर कार्बन कंपाउंड, कंफर्म ना, फोर कार्बन कंपाउंड मतलब चार कार्बन की चेन होती है, जैसे सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल, ऐसे चार कार्बन, कंफर्म, वेरी गुड। और ये क्या है, ग्लाइसिन क्या है बेटा, ग्लाइसिन जो है वो सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है, क्या है, सिंपलेस्ट अमीनो, अमीनो एसिड है ना, क्या है बेटा, सिंपलो अमीनो एसिड है ना, ये तो आपको पता ही होगा है ना। तो सक्सिनिल कोएंजाइम और ग्लाइसिन जो है इनके, इनसे इनका सिंथेसिस होता है किसका, क्लोरोफिल का, ओके। तो ये सिंथेसिस भी नोट कर लो है ना, उसके आगे फिर देखते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास CO2 एटमॉस्फेयर से ले लिया प्लांट ने, H2O रूट से ले लिया है, सनलाइट आ रही है, क्लोरोफिल इसके पास है, तो अब हमारे पास सारी चीज़ें प्रेजेंट है, हमने सबके बारे में पढ़ लिया है, अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ कैसे ये प्रोसेस होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखते हैं जरा, क्या एडिंग डालेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ओके, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले तो इसमें दो रिएक्शन होती है बेटा, कहाँ होती है, सबसे पहले तो, सबसे पहले टू रिएक्शंस होती हैं, TWO2 रिएक्शंस, या टू स्टेप्स लिख देंगे, टू स्टेप्स, ठीक है। दो स्टेप होते हैं इसमें, कौन कौन से बेटा, एक होता है बेटा, एक होता है लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, और दूसरी होती है बेटा डार्क रिएक्शन, ठीक है, डार्क रिएक्शन। वैसे तो आपको पता है कि ये रिएक्शन जो भी हो रही है, या जो भी फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो क्लोरोप्लास्ट में ही हो रहा है ना, क्लोरोफिल के अंदर, कंफर्म ना, वेरी गुड। तो ध्यान देना है कि लाइट रिएक्शन का साइट कौन है, लाइट रिएक्शन कहाँ पे होती है, ये होती है बेटा ग्रैना में, कहाँ होती है, ग्रैना में, और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है बेटा, इन स्ट्रोमा, इन स्ट्रोमा, ठीक है, ये स्ट्रोमा में होती है और ये ग्रैना। तो कभी पूछा जाए अगर आपसे कि साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, तो बता दोगे साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ग्रैना और साइट ऑफ डार्क रिएक्शन वो स्ट्रोमा। अब देखो इसका नाम लाइट रिएक्शन है, इसका नाम लाइट रिएक्शन है, तो ये क्या, ये किस पे डिपेंड होगी, डिपेंडेंट अपॉन, डिपेंडेंट अपॉन सनलाइट, ठीक है, ये सनलाइट पे डिपेंड है, ये क्या होगी, इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट होती है, कैसी होती है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, मतलब इसको सनलाइट मिले या ना मिले, मतलब ये रिएक्शन सनलाइट के बिना ही होती है कि नहीं। वैसे भी आपको पता है स्ट्रोमा में कोई सनलाइट को इंट्रैप करने वाला कोई भी पिगमेंट है क्या, नहीं है। आपने देखा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आपकी कॉपी में मैंने बनवाया है, आपने बोर्ड से आपने कॉपी किया था ना, है ना, बोर्ड तो लेने गए थे जीरोक्स कराने के लिए, तो कॉपी में ही लिखा होगा, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या हुआ कि भाई
कॉपी पे बनाया, जब कॉपी बनाया डबल लेयर, तो आपने उसमें देखा कि एक ग्रहणा है और एक स्ट्रोमा है। ग्रहणा जो होते हैं वो सिक्के जैसे आपको दिख रहे होंगे, है ना, जैसे बचपन में अपन एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर एक सिक्के के ऊपर जमाते थे, ऐसे ही जमे दिख रहे थे ना, तो वैसे जमे दिख रहे थे वहाँ पे आपको। और जो बीच में बहुत सारा खाली जगह था वहाँ पे ऐसे डॉट डॉट एक मैट्रिक्स यानी कि लिक्विड भरा था, उसे हम लोग मैट्रिक्स या स्ट्रोमा बोलते थे। वहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है कि नहीं? अब सोचोगे सर ये डार्क रिएक्शन ग्रहणा में क्यों नहीं हो जाती है, लाइट रिएक्शन वहीं पे हो जाए और वहीं पे डार्क रिएक्शन हो जाए। तो उसका रीज़न है कि वहाँ पे उस रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो रिएक्शन डार्क, जो डार्क रिएक्शन है जो स्ट्रोमा में हो रही बेटा, उसके एंजाइम्स जो हैं उस रिएक्शन को जो आगे बढ़ाते हैं वो स्ट्रोमा में ही प्रेजेंट होते हैं, ग्रहणा में नहीं। ओके चलो, अब जरा हम इसको थोड़ा स्कीमिक रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसका, आप लोग उसको समझिएगा थोड़ा, है ना। चलो देखते हैं, कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे हमने लिख दिया ग्रहणा, क्या लिख दिया है, ग्रहणा, और यहाँ पे लिखा है हमने स्ट्रोमा, क्या लिखा बेटा, स्ट्रोमा। यहाँ डार्क रिएक्शन होगी और यहाँ लाइट रिएक्शन होगी। ओके ठीक है चलो, अब क्या होता है कि सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होगा उसको देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे H2O आएगा, क्या आएगा बेटा, H2O आया, और इधर से आएगी सनलाइट, क्या आएगी, सनलाइट। ठीक है, क्योंकि ग्रहणा में ये क्लोरोफिल होता है, यानी कि ग्रहणा के एक सिंगल पॉइंट को क्या बोलते हैं, थैलाकोइड, और थैलाकोइड के अंदर क्वांटाजोन, क्वांटाजोन के अंदर क्लोरोफिल। तो इधर से सनलाइट है, इधर से H2O आया, चलो H2O को लिख दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ब्रेक डाउन करने पे हमें यहाँ 4H2O हमने लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे हम सनलाइट आ रही है, क्या हो रहा है, सनलाइट, यहाँ पे सनलाइट आ रही है। ठीक है, 4H2 तो क्या होगा, 4H पॉजिटिव इसका ब्रेक होगा, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है इस रिएक्शन को बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, फोटोलिसिस ऑफ H2O, H2O मतलब वाटर, वाटर का फोटोलिसिस होगा, फोटो मतलब होता है सनलाइट, है ना, लेसिस मतलब ब्रेकडाउन, सनलाइट के प्रेजेंस में किसका ब्रेकडाउन, H2O का। तो देखो ये H2O था, ये ब्रेकडाउन हुआ, 4H पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, देखो यही निकलेगा। ठीक है, बैलेंस करोगे चार हाइड्रोजन, ये हो गए चार चार आठ, इधर भी आठ हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन दो ये है दो ये, चार चार इधर भी है, तो चार जब पॉजिटिव निकलेंगे तो चार इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं हमारे पास, ये ऑक्सीजन जो है वो बाहर निकल गया, O2 जो है वो बाहर निकल गया एटमॉस्फेयर में, क्योंकि ऑक्सीजन तो निकलती है आपको भी पता है, H2O भी रिलीज होगा। ठीक है, अब ये चार इलेक्ट्रॉन और चार हाइड्रोजन यहाँ पे बनेंगे, ये चार इलेक्ट्रॉन चार हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलके बनाएंगे फॉर्म ATP कामा NADPH2, क्या बनाएंगे, NADATP और NADPH2 बनाएंगे, कौन, ये फोर हाइड्रोजन और फोर इलेक्ट्रॉन मिल करके दोनों, कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम डिटेल में अगली क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, है ना। तो ये दोनों फॉर्म करेंगे ATP और NADPH2, कंफर्म। अब ये दोनों NADPH2 जो है वो आगे जाएंगे, ये दोनों ट्रांसफ़र होंगे, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, ये बोथ आर क्या है, ये दोनों क्या है, ये है बेटा एसिमिलेटरी पावर ऑफ डार्क रिएक्शन एसिमिलेटरी पावर ऑफ डार्क रिएक्शन। ठीक है, मतलब कि ये दोनों आगे चल के इस डार्क रिएक्शन में हेल्प करेंगे जाके, कंफर्म। चलो, अब डार्क रिएक्शन में जब ये गए तो यहाँ से डार्क, अभी देखो हमने क्या क्या ले लिया,
इधर सनलाइट ले लिया, H2O ले लिया, दो चीज़ें तो हमारी यूटिलाइज हो गई। और हमारे पास रॉ मटेरियल में क्या था, CO2। तो यहाँ से एटमॉस्फेयर में CO2 ली गई, और CO2 लेने के बाद ये CO2 ली गई और इसको फिक्स कर दिया किसने, RUBP ने। किसने फिक्स कर दिया, RUBP ने। RUBP दोनों ने मिल करके क्या बनाया, क्या बना दिया, यहाँ पे यूटिलाइज हो गया, ये दोनों बेटा यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे। और क्या बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे बेटा C6H12O6, ये बना देंगे कंफर्म। क्या बना देंगे, RUBP प्लस CO2 मिलकर के क्या बना देंगे, C6H12O6। और यहाँ पे एंजाइम लगेगा, कौन सा एंजाइम, रूबिस्को, RUBISCO, रूबिस्को एंजाइम, ये एंजाइम है, ठीक है। ये डुअल नेचर का एंजाइम होता है बेटा, हम आगे अभी बता देंगे आपको कि वो रूबिस्को क्या है। तो देखो RUBP और CO2 ने मिलकर के क्या बना दिया, C6H12O6। तो कितने CO2 आएंगे, 6 CO2 आएंगे, और यहाँ पे 6 CO2 रहेंगे, तो बेटा सी ये बन जाएगा। और यहाँ पे हम 12H2 कर लेते हैं, तो वो हम चार चार के बारे में, यानी कि हमने 4 लिया है, तीन तीन ऐसे तोड़ोगे, जैसे अब चार आपने तोड़ दिए, फिर एक बार चार तोड़ दीजिए, फिर एक बार चार तोड़ दीजिए, तो लगभग इसी तरीके का आएगा। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, आपके दिमाग के ऊपर सब निकल गया होगा, हो सकता है। देखो लीफ है, लीफ के पास स्ट्रोमेटा प्रेजेंट है, स्ट्रोमेटा से CO2 अंदर जाएगा, और रूट से क्या एब्जॉर्ब होके आ रहा है, वाटर, और सनलाइट तो ऑलरेडी लीफ पे पड़ रही है ना। तो लीफ को हम लोग क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द प्लांट, आप सब पढ़ चुके हो। तो यहाँ पे क्या होता है, लीफ के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखा आपने दो चीज़ें होती हैं, ग्रैना और एक स्ट्रोमा। हमने आपको बताया लाइट रिएक्शन की साइट है ग्रैना, और डार्क रिएक्शन की साइट बेटा क्या है, स्ट्रोमा। बहुत ध्यान से, अब क्या हुआ, सनलाइट मेन कौन इंटरैक्ट कर रहा है, ग्रैना, देखो सनलाइट के प्रेजेंस में काम कर रहा है। सनलाइट आई इधर रूट से, फ्रॉम रूट, ये कहाँ से आया, रूट से, ठीक है, रूट से कौन आया, वाटर। इस वाटर को ब्रेक डाउन किया सनलाइट ने, तो 4H पॉजिटिव प्लस 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो 4 इलेक्ट्रॉन निगेटिव भी निकलेंगे, ठीक है, ओके। इसे हम बोलते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यानी कि H2O। फोटो मतलब होता है सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर का ब्रेक डाउन, देखो वाटर ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो 4 हाइड्रोजन और 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे बेटा, ये बनाएंगे ATP और NADPH2 बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ATP एंड NADPH2। सर सोचोगे सर ये ATP क्या है, हमें भी इनका फुल फॉर्म लिख देंगे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये, एनर्जी करेंसी जिसे बोलते हैं, और NADPH2 क्या है, निकोटिनामाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है, ये हम पूरा फुल फॉर्म लिख देंगे। तो अब क्या होगा, दोनों ये बनेगा, कैसे बनेगा, बस आप इतना ध्यान रखोगे ये बनेगा, कौन बनाएगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन। जब ये बन जाएंगे तो ये दोनों यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे, कहाँ, स्ट्रोमा में, इनका काम स्ट्रोमा में है। स्ट्रोमा क्या करेगा, CO2 लेगा, और CO2 लेने के बाद यहाँ पे इसको RUBP का मतलब है रेबुलोज 1,5 बाई फॉस्फेट, जो CO2 को फिक्स करता है, जो CO2 के साथ बाइंड होता है और उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज या स्टार्च, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लूकोज, ठीक है, आप ग्लूकोज लिखो, है ना, ग्लूकोज या स्टार्च, यही आगे चल के जब डिपॉजिट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्टार्च, है ना। तो अब क्या होगा, ये RUBP प्लस CO2 दोनों मिलकर के रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बना लिए, C6H12O6, है ना। यहाँ पे CO2 के साथ हाइड्रोजन कहाँ से आ रहा है, ये हाइड्रोजन बेटा यहाँ से आएंगे, जो NADPH2 है, ये H2 जो जुड़ा है, ये हाइड्रोजन उसको दे देगा सारे, है ना। कितने हाइड्रोजन देगा, डजंट मैटर, 12 देगा टोटल, है ना, लेकिन कैसे देगा वो सब नहीं, आपको ये हाइड्रोजन दे देगा। और बेटा आपको सीधा सिंपल समझना है, RUBP ने CO2 को फिक्स किया, रूबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में क्या बन गया, ग्लूकोज, यानी कि प्लांट का फोटोसिंथेसिस हो गया, कंफर्म। तो ये बन गया पूरा, स्टार्च फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ओके। तो ये होता है पूरा CO2 का फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, कंफर्म। अब देखो यहाँ कुछ फुल फॉर्म लिख देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ATP, ATP का आपको पता होगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई
फॉस्फेट, फॉस्फेट ठीक है, इट इज नॉट सीन ट्राई फॉस्फेट, एक सेकेंड, फॉस्फेट ठीक है। इसके बाद NADP का मतलब क्या है, NADPH2 तो वो बाद में लगता है, NADPH2 का मतलब क्या है ना, ये रिड्यूस है ठीक है, निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, एडिनोसिन, एडिनोसिन डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड, डाई न्यूक्लियोटाइड ई ओ है न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ठीक है, फॉस्फेट रिड्यूस ठीक है, कन्फर्म ये हो गया। इसके बाद अब जैसे RUBP लिखा है वहाँ पे, तो RUBP का फुल फॉर्म लिख देता हूँ मैं इधर, RUBP ठीक है, RUBP का फुल फॉर्म है बेटा रोबुलोज, रोबुलोज 1.5 बाई फॉस्फेट, बाई फॉस्फेट ठीक है, 1.5 बाई फॉस्फेट ठीक है, ये हो गया RUBP का फुल फॉर्म। अब आता है रुबिस्को का, तो रुबिस्को एक एंजाइम है, उसका फुल फॉर्म लिखने के लिए अभी इतना नोट कर लो फिलहाल, तो उसके बाद आगे बता देंगे, कन्फर्म ओके। अब बेटा पहले हम यहाँ पे एंजाइम्स की बात कर लेंगे, वो देखो ये रिएक्शन को अगर हम थोड़ा और डार्क रिएक्शन को डिटेल में देखें, डार्क रिएक्शन की बात करें ठीक है, थोड़ा सा डार्क रिएक्शन को डिटेल में देखें, तो यहाँ पे 6CO2 अपन यूज़ करते थे, रिएक्शन तो आपने देखा 6CO2 यूज़ करते थे, प्लस यहाँ पे 6RUBP यूज़ होते हैं, क्या यूज़ होते हैं, RUBP ठीक है पक्का, प्लस 18 ATP यूज होते हैं, और प्लस 12 NADPH2 यूज होते हैं, NADPH2 कन्फर्म बेटा वेरी गुड। अब क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होती है इन सब को मिला करके, मतलब इन सब को रिएक्शन को मिला दो, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं केल्विन, केल्विन साइकिल, क्या बोलते हैं बेटा केल्विन साइकिल, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने दी थी, मेल्विन केल्विन, केल्विन का मैं बेंसन, बेंसन ठीक है, मेल्विन केल्विन और बेंसन ने इसकी डिस्कवरी दी थी, डिटेल्ड ठीक है, डिटेल्ड डिस्कवरी, डिटेल्ड डिस्कवरी ठीक है, कंफर्म डार्क रिएक्शन, ये बात कर रहे हैं हम लोग डार्क रिएक्शन की। अब क्या होगा, अब यहाँ पे बनेगा ग्लूकोज, सबसे पहले C6H12O6 बनेगा, यानी कि ये ग्लूकोज बन गया ठीक है, प्लस फिर से और क्या निकलेगा यहाँ पे, C6RUBP निकल जाएगा ठीक है, 6RUBP निकल जाएगा ठीक है, 6RUBP निकल जाएगा, प्लस क्या निकलेगा 18 ADP ठीक है, प्लस 18 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP ठीक है, प्लस 12 NADP पॉजिटिव, ये हमारे पास मिलेगा इस रिएक्शन के बाद, और इस रिएक्शन को हम लोग डार्क रिएक्शन बोलते हैं, इस या फिर मेल्विन केल्विन साइकिल या केल्विन साइकिल ठीक है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है और ये हमें मेन प्रोडक्ट मिल जाता है ठीक है। अब जो स्टार्च है, अगर हम स्टार्च की बात करें बेटा, स्टार्च मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट मोस्ट अबंडेंट, अबंडेंट अबंडेंट मोस्ट अबंडेंट स्टोरेज प्लांट, स्टोरेज सब्सटेंस इन प्लांट वर्ल्ड, स्टोरेज सब्सटेंस, सब्सटेंस इन प्लांट, प्लांट वर्ल्ड ठीक है, प्लांट में सबसे ज़्यादा स्टोरेज कौन होता है, स्टार्च। और यही अगर एनिमल की बात करें, मोस्ट अबंडेंट स्टोरेज सब्सटेंस इन एनिमल ठीक है, तो क्या होगा बेटा, ये होगा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन ठीक है ओके। इसके बाद दूसरा यहीं पे है, दूसरा अगर प्रोटीन की बात करें, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट
प्रोटीन, ठीक है। प्लांट की बात करें, अगर प्लांट्स में तो कौन सी होती है बेटा, रूबिस्को। कौन सी, यहाँ पे एंजाइम क्या लगेगा, रूबिस्को, ठीक है। तो यही है रूबिस्को, क्योंकि आपको पता है ऑल एंजाइम मेड ऑफ प्रोटीन्स, बट ऑल प्रोटीन्स नॉट एंजाइम। सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होती, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। कुछ एक को छोड़ करके एंजाइम, जैसे राइबोसाइम है ना, कुछ एंजाइम को छोड़ करके बाकी सभी एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं। तो बेटा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन प्लांट वर्ल्ड, अगर सबसे ज़्यादा प्लांट में कोई प्रोटीन होती है तो रूबिस्को है। और यहीं पर अगर हम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल की बात करें तो कौन सी होगी बेटा, कोलेजन। कौन सी, कोलेजन फाइबर्स होते हैं ना हमारी बॉडी में, वाइट है ना, जो फिक्स करते हैं बहुत सारे टिश्यू को, कंफर्म ना। नहीं देखा होगा, नहीं सुना होगा तो कोई बात नहीं, सुन लो, बस केवल आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं। तो कोलेजन है, ठीक है। एनिमल में अगर प्रोटीन की बात करें तो कोलेजन, और अगर प्लांट में बात करें तो रूबिस्को। अगर एनिमल में कोई कार्बोहाइड्रेट की बात करें स्टोरेज, तो स्टार्च है, और सॉरी प्लांट में, और एनिमल में ग्लाइकोजन। ओके, तो इसको भी बेटा नोट डाउन करो। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग कुछ फैक्टर अफेक्टिंग पढ़ेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहला बेटा लाइट है, क्या है, लाइट। अब आप लोग सोचोगे कि सर लाइट तो प्लांट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर ये फैक्टर अफेक्टिंग कैसे हो गया भाई। फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है, फोटोसिंथेसिस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसको कोई ना कोई अफेक्ट करेगा ना, कोई ना कोई अफेक्ट करेगा। कौन अफेक्ट करेगा, वो लाइट। देखो सबसे पहले तो ओनली 2%, ओनली अप्रोक्स 2% लाइट, ठीक है, यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटो जितनी भी सोलर लाइट आ रही है अर्थ पे, उसका लगभग अप्रॉक्स 2% लाइट ही फोटोसिंथेसिस में यूज होती है। अब ये कैसा है कि अगर हाई लाइट है, मतलब ज़्यादा लाइट है, अगर लाइट का हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अगर हाई इंटेंसिटी है लाइट का बेटा, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होगा, क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज मतलब नीचे का सिंबल बनाया और ऐसे ही लगा दिया, मतलब डिक्रीज। अगर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है ना, तो फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाएगा, है ना। एक मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी तक ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का रेट चलता है, कन्फर्म, ओके। इसके बाद दूसरा फैक्टर है बेटा, सेकेंड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब आपको पता है कि टेम्परेचर कितना चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, बेस्ट टेम्परेचर। तो बेस्ट टेम्परेचर बेटा होता है, अगर बेस्ट टेम्परेचर की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 25 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक, इस टाइम तक फोटोसिंथेसिस जो होती है वो इंक्रीज होती है, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम बाई चांस इससे इंक्रीज करें, अब देखो यहाँ पर लिखा है हायर देन 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस क्या होगा, फोटोसिंथेसिस क्या होगा बेटा, विल डिक्रीज। फोटोसिंथेसिस का रेट जो होगा वो धीरे धीरे कम होने लगेगा, अगर इस टेम्परेचर से ज़्यादा क्या होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ता है। अब ऐसा क्यों होता है, उसका रीज़न है कि अगर प्लांट ज़्यादा टेम्परेचर में फोटोसिंथेसिस करेगा तो जो एंजाइम्स हैं, आहल एंजाइम्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना, यानी कि एंजाइम्स जो हैं वो बने किससे हैं, प्रोटीन से। कुछ एक्सेप्शन ये है, ऐसा मत बोलना कि सर एक्सेप्शन भी होते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं, और आपको पता है हाई टेम्परेचर पर प्रोटीन क्या होती है, कॉगलेट हो जाती है,
आपने देखा होगा कैसे, एग्जांपल्स, आपने एग देखा है, एग एग देखा है, एग को अगर, एग के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन हो ना, है ना, एल्ब्यूमिन होती है। उस एल्ब्यूमिन को आप क्या करते हो, गर्म करते हो पानी में डाल के, बॉयल करते हो, तो क्या होता है, सब कैसा हो जाता है, सॉलिड हो जाता है ना। इसीलिए ज़्यादा टेम्परेचर में अगर कोई भी चीज फंक्शन करेगी तो उसके जो एंजाइम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होने के चांसेस रहते हैं। कुछ लोगों को हीट स्ट्रोक लगता है तो ऐसे ही लगता है, ज़्यादा गर्मी में क्या होता है, कई सारी प्रोटीन्स कॉगलेट होने लगती हैं, जिससे एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है और पर्सन मर जाता है। ऐसे ही बेटा यहाँ पे भी अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी, स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे, फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा प्लांट, है ना, हाई टेम्परेचर पे, कन्फर्म, वेरी गुड। अगला फैक्टर अफेक्टिंग, नेक्स्ट आता है CO2 का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में कितना है बेटा, 0.0 या 0.03%, कितना है बेटा, 0.03%, 0.03%, 0.03% कहाँ है एटमॉस्फेयर में, CO2 का कंसंट्रेशन है ये, कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर कितना है CO2 का, बहुत कम है ऑलरेडी। और इतने कम कंसंट्रेशन में क्या होता है कि CO2 प्लांट ले रहा है, लेकिन अगर हम CO2 बढ़ाते हैं तो फोटोसिंथेसिस का रेट भी बढ़ता है एक पर्टिकुलर लेवल तक, अगर उससे ज़्यादा हाई होता है तो क्या हो जाएगा, टॉक्सिक हो जाएगा फॉर द प्लांट, है ना, और फोटोसिंथेसिस कैसा हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप लोग समझदार हैं, इसको लिखाने की ज़रूरत नहीं है, है ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर बेटा, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, है ना, फोर्थ नंबर आता है वाटर, H2O, मतलब वाटर, ठीक है। तो वाटर आप समझते ही हैं, वाटर जो होता है वो प्लांट की फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल में अगर वाटर अवेलेबल है तो अच्छे से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होता रहेगा, अगर सॉइल में वाटर कम है तो फोटोसिंथेसिस का धुआं नहीं होगा, है ना, तो इसीलिए वाटर भी फैक्टर अफेक्टिंग है। इसके बाद फिर क्या होता है बेटा, फिफ्थ नंबर है विंड वेलोसिटी, ठीक है, विंड वेलोसिटी मतलब हवा कितनी तेज चल रही है, है ना, अगर बहुत तेज हवा चलने लगी, है ना, 50-60 किलोमीटर पर आवर के उससे भी ज़्यादा चलने लगी तो क्या होगा, जब ज़्यादा तेज हवा चलती है तो स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाते हैं, और स्ट्रोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो CO2 अंदर नहीं जाएगा, CO2 अंदर नहीं जाएगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो यहाँ पे आप समझना, हाई वेलोसिटी क्या करती है, स्ट्रोमेटा क्लोज कर देती है और फोटोसिंथेसिस का रेट कम हो जाता है, कन्फर्म। तो ये है फैक्टर अफेक्टिंग, नोट डाउन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस लगभग ख़त्म कर लिया है, अगले टर्न से हम लोग एनिमल का न्यूट्रिशन पढ़ेंगे, है ना, और उसमें किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है, ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो कंटिन्यू आस करते रहें, थैंक यू।